आदमपुर के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामेंगे। उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद गुरुवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके साथ उनके पुत्र भव्य बिश्नोई, माँ जस्मा देवी और पत्नी रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेगी। कुलदीप ने साफ कर दिया है कि आगे की राजनीति में वे और उनके पुत्र करेंगे। उनकी पत्नी रेणुका चुनाव नहीं लड़ेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पुत्र के तौर पर राजनीति शुरू करने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने पार्टियां तो कई बदली, लेकिन उन्हें कोई रास नहीं आया। अब भगवा रंग में रंग कर पिता पुत्र दोनों राजनीति करेंगे। उनके भाजपा में जाने से क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी है कि भजन लाल के समय में होने वाली परिवार की चौधर एक बार फिर लौटेगी। कुलदीप भिवानी से सांसद रहे और आदमपुर से विधायक रहे, लेकिन सत्ता में शामिल होने का उन्हें मौका नहीं मिला। कुलदीप के पिता पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल हरियाणा में कांग्रेस की धुरी थे। उनके इशारे पर हरियाणा कांग्रेस चलती थी। एक दौर यह था कि जब भजन लाल मुख्यमंत्री होते थे और सत्ता आदमपुर और पंचकुला दोनों जगह से चलती थी। आधा हरियाणा उन्हें आदमपुर में मिलने के लिए जाता था तो आधा हरियाणा पंचकुला मिलने के लिए जाता था। भजन लाल के मुख्यमंत्री न बन पाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप के भाई चंद्रमोहन को उप मुख्यमंत्री बनाया। उप मुख्यमंत्री रहते हुए चंद्रमोहन ने कांग्रेस में अच्छी पारी खेली, लेकिन फिजा प्रेम उन्हें ले डूबा। अंततः चंद्रमोहन को उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कुलदीप ने कहा कि कांग्रेस अब सिद्धांतों से भटक गई है, चाटुकारों की पार्टी बनकर रह गई है। ऐसे लोग पार्टी को चला रहे हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़े, अगर लड़े भी हैं तो आज से 30 साल पहले। पूरे देश में गलत फैसले लिए जा रहे हैं। कुलदीप ने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। वहीं जब कुलदीप बिश्नोई से पूछा गया कि ईडी के नोटिस के दबाव में तो ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास कभी ईडी का नोटिस नहीं आया है और ना ही ईडी का कोई केस है। इनकम टैक्स के नोटिस आए थे जिनमें से अधिकतर खत्म हो गए हैं। मैंने नैतिकता, ईमानदारी और सिद्धांतों की राजनीति की है। मेरे दामन पर कभी भी कोई दाग नहीं लगा है। वहीं पिछले दिनों पूर्व सीएम और विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप को चुनौती दी थी और कहा था कि वे विधानसभा से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन करें और फिर चुनाव लड़े, उन्हें पता लग जाएगा। हुड्डा की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बुधवार को कुलदीप ने कहा, मैंने चुनौती स्वीकार कर ली है। हुड्डा साहब 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब वह मेरे बेटे भव्य या मेरे खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़े, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुग्गल ने कुलदीप के भाजपा में जाने पर कहा है कि प्रदेश की जनता उनसे पूछे कि वे कितने दिन विधानसभा में आए हैं और क्षेत्र के कितने मुद्दे उठाए। वे बहुत महत्वाकांक्षी हैं, या तो वे मुख्यमंत्री पद चाहते हैं या फिर प्रदेश अध्यक्ष, इससे नीचे उनकी बात नहीं बनती है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।